कि कोविड तो बहुत कुछ मतलब परेशान नहीं किया है, फेस्टिवल ही ना सही, मतलब जान मान को बहुत नुकसान हुआ है। और ये एक ऐसा त्यौहार है जो भारत में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इस पर सिंपल वर्ड में इतना कहना चाहूँगा कि ये होली रंगों वाली नहीं सुरक्षा वाली होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही खेलना है, सेफ्टी के साथ खेलना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूँ सनी कुमार। होली का पावन त्यौहार आ रहा है, ऐसे में एक बार फिर से ये दूसरा साल होगा जब होली का रंग सही तरीके से नहीं चढ़ेगा लोगों पे। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास में, जहाँ पे कुछ छात्राएं हैं उनसे सीधे तौर पे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं होली का रंग एक बार फिर से नहीं चढ़ने जा रहा है इस बार। पिछले साल कोरोना की वजह से होली नहीं मना पाए थे और इस बार फिर से जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि होली सही तरीके से नहीं मना सकते कोरोना को नज़र में रखते हुए, इस बात को लेकर सीधे तौर पर जुड़ते हैं कुछ छात्राएं यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाहती है होली को लेकर, क्या कह रही हैं, सीधे तौर पर जुड़ते हैं जी। इस बार होली कैसे मना रही हैं आप लोग? होली पहले हम लोग वृद्धाश्रम गए थे, अभी हम लोग अपने कॉलेज में आए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को, बिकॉज कोविड के बाद एक अच्छा मौका हमें मिला है अपने फ्रेंड लोग के साथ थोड़ा सा खुशियाँ बांटने का, तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और क्या होली करेंगे तो एक बार फिर से नहीं चढ़ने जा रहे दूसरा साल होगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोविड तो बहुत कुछ मतलब परेशान नहीं किया है, फेस्टिवल ही ना सही, मतलब जान मान को बहुत नुकसान हुआ है, बट फिर भी कहेंगे कि चलिए थोड़ा बहुत ही सही एक तरीके से ही, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग सेलिब्रेट कर पाए। आपसे भी जानना चाहेंगे कि हम लोग जो होली हर बार खेलते थे दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन दूसरा साल होने जा रहा है कि होली इस बार हम लोग नहीं खेल पाएंगे फिर से, ऐसे हम दोस्तों को कैसे मिस करिएगा? बहुत मिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग मिस नहीं करेंगे। कोविड की वजह से हम लोग काफ़ी टाइम अलग रहे हैं और ये एक ऐसा त्यौहार है जो भारत में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इसमें सभी धर्मों के लोग इसको बहुत खुशी और उत्साह से मनाते हैं, तो इस साल भी हम लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की है। कोविड के बाद हम लोग कॉलेज आए हैं, वृद्ध आश्रम भी गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ी सी रंगों से वहाँ भी थोड़ा सेलिब्रेट किया, वहाँ भी हमने खुशियाँ बांटी, यहाँ दोस्तों के बीच कॉलेज में भी आए हैं सेलिब्रेट करने। कौन से कलर को ज़्यादा पसंद करती होली में? होली सभी रंगों का त्यौहार है तो हमें सभी रंग पसंद है। जी बिल्कुल, तो होली है, सभी रंग पसंद है और सभी रंग के साथ ही होली खेलते भी छात्राएं। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमार। इस बार का होली काफ़ी शॉर्टकट में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? दूसरा साल है, सही तरीके से रंग भी नहीं चढ़ेगा, क्या कहेंगे? बात है, अभी तो हम लोग खैर थोड़ा बहुत स्टार्ट भी किए हैं होली खेलना, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे दोस्तों को, बट कोविड को देखते हुए थोड़ा सेफ्टी बरतते हुए सब लोग को मिस तो करेंगे, बट सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है सब लोग को, तो सब लोग खुश रहे होली में और जिससे भी मिल पाए उतना मिल पाए। और होली में हम लोग कहते हैं कि कितना भी किसी के बीच में मन मोटाव हो, लेकिन उनके साथ जाके रंग लगाते हैं और वो जो हमारी मन मोटाव बीच में होती है वो रंगों के साथ अपने पुराने गिले से भी कोई भूल जाना है। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? प्रिया वर्मा। क्या कहेंगे, इस बार होली काफ़ी साधारण तरीके से मनाया जाना है? इस बार हम लोग हर साल जैसे होली मनाते हैं वैसे तो नहीं मना पाएंगे, ये चीज़ हम लोग बहुत मिस करेंगे, पर सिंपल वर्ड में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये होली रंगों वाली नहीं सुरक्षा वाली होगी। चलिए, ये होली रंगों वाली नहीं सुरक्षा के साथ होली खेलने वाली होगी, छात्राएं कह रही हैं साफ तौर पर। क्या कुछ और भी छात्राओं को सीधे तौर पर जुड़ते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजू बाला। होली इस बार कैसे खेल रही हैं आप? होली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही खेलना है, सेफ्टी के साथ खेलना है और सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखना है। होली खेलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो पाएगा? होगा ना, सेफ्टी के साथ सैनिटाइजर का भी यूज़ करेंगे हम लोग 5-5 मिनट पे, और कलर का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, पानी वाला होली खेलेंगे जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। हाँ, किसी को नुकसान ना हो पानी के साथ ही होली खेल के इस बार काम चला लेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में यानी कि अगले साल जो होली आएगा उसमें हम लोग सही तरीके से पारंपरिक तरीके से होली खेल पाएंगे। और भी कुछ छात्राएं हैं, इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं, जानते हैं इनकी इस बार की होली कैसी हुई, क्योंकि इस बार का जो होली है काफ़ी गाइडलाइन के साथ हमें होली खेलना है। क्या नाम हुआ आपका मैडम? सलोनी कुमारी, मैं जेडी वुमेन्स की छात्रा हूँ। इस बार होली कैसे खेल रही है इस बार? इस बार तो कोरोना है अभी बहुत, मतलब मेरे घर तो ऐसा हो नहीं रहा वैसा कुछ, देखिए क्या होता है अभी तो कुछ पता। साथ होली खेला आपने? हाँ, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया होली। होली के दिन तो दोस्तों को मिस करेंगी आप? बहुत ज़्यादा, दोस्तों को ही मिस करती हूँ हमेशा। इस बार कौन सा कलर ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हर बार तो सारे कलर के साथ होता है, लेकिन इस बार क्या करना है? इस बार पिंक, लड़कियों का कलर फेवरेट होता है पिंक, इसलिए पिंक सबका फेवरेट है और हम ज़्यादातर पिंक ही से खेलते हैं। अभी भी हमारे गाल में देख ही रहे हैं आप, रंग लगा हुआ है।
इसलिए। तो जो कलर है, जो पसंदीदा कलर, उसके साथ होली खेलना है, लेकिन सावधानी से खेलना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बार सावधानी से होली खेलना है, जो गाइडलाइन दिया गया सरकार की ओर से, उसका पालन करते हुए खेलना है होली। ऐसे में क्या कुछ बोले JDMS कॉलेज की छात्रा, आपने साफ तौर पर सुना, यानी कि उम्मीद करते हैं कि अगले साल होली हम सही तरीके से खेल पाएंगे, पारंपरिक तरीके से खेल पाएंगे। और क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, JDMS कॉलेज की छात्राएं जो है अभी गुलाल के साथ होली खेली है और हमसे खास तौर पे बातचीत की, क्या कुछ कहा हमने आपको साफ तौर पे सुना है। जल्द जल्द आपको एक बार फिर से बता दें कि होली की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और बड़ी ही सावधानी से होली खेलें, ताकि हम कोरोना से जंग भी जीते और होली भी सावधानी से खेल सकें। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन समर डे के साथ में सनी कुमार, पटना। Thank you.